हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल कोई खेल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और ठीक होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जो यूपीएससी का प्रीलिम्स और मेंस का जो जियोग्राफी का सिलेबस होता है उसके बारे में आज मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं कि उसका सिलेबस क्या क्या होता है, कौन सा टॉपिक प्री में आता है, कौन सा टॉपिक मेंस में आता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको डिटेल सब कुछ बताने वाला हूँ, इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें जिससे कि आपको सारी जानकारी मिल सके। और दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस जरूर कर लें जिससे कि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों इससे पहले मैं पॉलिटी हिस्ट्री के सिलेबस के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ और दोस्तों धीरे धीरे मैं सभी सब्जेक्ट्स के सिलेबस के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। इसलिए दोस्तों हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को अभी तक लाइक ना करें तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों जैसा कि आज मैंने आपको बताया कि मैं जियोग्राफी के सिलेबस के बारे में बात करने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूँ, जो जियोग्राफी होती है वो प्री प्लस मेंस दो पार्ट में, प्री में भी आती है, मेंस भी आती है। जो मेंस में जो जियोग्राफी आती है वो जीएस फर्स्ट पेपर में आती है, यानी कि सामान्य अध्ययन के प्रथम पेपर में आती है, जो कि 250 नंबर का होती है पेपर। और लगभग इसमें जियोग्राफी का जो पोर्शन होता है मैक्सिमम से मैक्सिमम 100 नंबर, और जो कम से कम जो होता है 80 से 100 के बीच में ये क्वेश्चन आते हैं 250 में से जियोग्राफी के। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो प्री में जो सिलेबस दे रखा है यूपीएससी का वो होता है भारत एवं विश्व का भूगोल, जिसमें आपको प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों तरह का भूगोल पढ़ना है प्रीलिम्स के लिए। अब दोस्तों मैं आपको मेंस का सिलेबस के बारे में बताऊंगा। दोस्तों आप मेंस का सिलेबस पढ़ते हैं तो प्री का अपने आप क्लियर हो जाएगा, जियोग्राफी के सिलेबस में भी। दोस्तों ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए दोस्तों मैं आपको मेंस के सिलेबस के बारे में बताने वाला हूँ। अब मेंस के सिलेबस पे अच्छे तरीके से पहुँच करें जिसमें आपका आर्थिक, प्राकृतिक, सामाजिक, भारत और विश्व दोनों का क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसमें क्या क्या टॉपिक दिए गए हैं मेंस के सिलेबस में। दोस्तों मेंस में दिया है विश्व के भौतिक भूगोल की प्रमुख विशेषताएं, इसमें विश्वभर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए आपको विश्वभर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण बताना है। और विश्व अगला टॉपिक है विश्व भारत सहित विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों के उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक। दोस्तों विश्व और भारत को शामिल करते हुए जो प्राकृतिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के उद्योग हैं उनको स्थापित करने वाले कौन कौन से कारक हैं उनके बारे में आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। दोस्तों आपको भूभौतिक घटनाओं के बारे में पढ़ना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूभौतिक घटनाएं हैं, इनके बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। इसमें आपको भूकंप, ज्वालामुखी, चक्रवात और सुनामी आदि के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। आपकी बहुत इंपॉर्टेंट भूभौतिक घटना है, इसमें आपको भौगोलिक विशेषताएं और उनके स्थान पढ़ रहे हैं, भूभौतिक घटनाओं में कौन कौन से स्थान है विश्व की, करंट अफेयर्स भी इससे रिलेटेड आपको ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों इसके अति महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताएं जिसमें जल स्रोत और हिमावरण सहित आपको पढ़नी है। दोस्तों अगला टॉपिक और लास्ट टॉपिक जो है वो है वनस्पति एवं प्राणी जगत में परिवर्तन और इस प्रकार के परिवर्तनों के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, इन सब के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको जियोग्राफी जो यूपीएससी में आती है जियोग्राफी के सिलेबस के बारे में डिस्कस कर दिया है। तो यदि आपके मन में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।